अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि प्यार सिर्फ सरसों के खेत में अपनी बाहें फैलाने से होती है, तो ये रिव्यू आपके लिए नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपका ये आम आदमी रिव्यू करेगा चमन बहार को। चमन बहार, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, काफी अनकन्वेंशनल लव स्टोरी है। इसके लीड एक्टर हैं जितेंद्र कुमार, फेमसली नोन एज जीतू भैया। और अगर आप वेब सीरीज के काफी बड़े फैन हैं तो इनका इंट्रोडक्शन देना जरूरी मैं नहीं समझता। तो गाइज, इसका स्टोरी काफी स्वीट और काफी सिंपल है और काफी ओरिजिनल है। ऐसे प्यार करने वाले, ऐसे आशिक हमारे देश के कोने में बहुत जगह मिलेंगे। जीतू भैया की एक छोटी सी पान की दुकान है, लेकिन उनका धंधा एकदम चौपट रहता है। लेकिन उनकी किस्मत बदल जाती है जब उनके दुकान के ठीक सामने रितिका बदियानी, जो कि रिंकू का रोल प्ले कर रही हैं, वो रहने आ जाती हैं। अब रिंकू को देखने के लिए गांव के सारे लड़के जीतू भैया के दुकान के सामने अड्डाबाजी करने लगते हैं। गाइस, ये लव स्टोरी इतनी स्वीट है कि आपको लगेगा कि यार ऐसे भी प्यार होता है। जीतू ने रिंकू से एक बार भी नहीं मिला, वो सिर्फ उसे देखता है। उसका टाइमिंग नोट किया हुआ है कि वो कब स्कूल से आती है, कब स्कूल से जाती है, शाम को किस वक्त अपने कुत्ते को बाहर लेकर के टहलने आती है, वो सारा चीज टाइम नोट किया हुआ है। इनफैक्ट इसके दुकान बंद होने का टाइम भी वो उसके आने जाने के टाइम से मैच किया हुआ है। लेकिन कहानी काफी मजेदार तब होती है जब वहाँ के लोकल गुंडे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो रिंकू को पसंद करते हैं। अब इस बीच में जीतू भैया अपने आप को काफी लेफ्ट आउट फील करते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई चांस ही नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक पान वाले हैं। लेकिन कैसे जीतू भैया इसमें प्यार, जलन, नफरत और धोखा सब कुछ महसूस कर लेते हैं बिना लड़की से मिले, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग था। और यकीन मानिए, जो मेन लीड एक्ट्रेस रितिका बदियानी, इनका सिंगल डायलॉग तक नहीं है। ये पूरी की पूरी मूवी कम्प्लीटली जीतू भैया के कंधों पे चलती है और यकीन मानिए ये मूवी काफी अच्छी है। गाइज, इसमें एक सीन है जब रिंकू अपने स्कूल से वापस आती है तो गांव के सारे लड़के, स्कूल के सारे लफंगे उनके स्कूटी के पीछे पीछे बाइक से फॉलो करते हैं, जिनका मकसद कुछ नहीं है, बस उनको फॉलो करना है। उनको घर तक फॉलो करते हैं और ये सारे लोग बाइक को जीतू भैया के दुकान के सामने अड्डाबाजी के लिए लगा देते हैं। गाइज, ये सीन इतनी रियलिस्टिक है कि आपको देख करके लिटरली हंसी आ जाएगी क्योंकि आपको पता है इंडिया में ऐसा होता है। लेकिन हाँ, मैं फिर कहूँगा, अगर आपको लगता है गाना गाकर इम्प्रेस करने से या फिर सरसों के खेत में जाकर के हाथ फैलाने से ही एक लव स्टोरी बनती है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तो गाइज, आपको इस आम आदमी का रिव्यू कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मुझे ये जरूर बताइएगा कि मेरे तरह आपको भी ये मूवी पसंद आई कि नहीं। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।